हिंदी की किताब लिखो, घनानंद वाला निकाल लो। घनानंद के बारे में पढ़ना है। कहते हैं घनानंद रीति युग के कवि हैं। पहले तो याद रखो, पूछेगा प्रश्न कि घनानंद किस युग के कवि हैं, तो रीति युग का। इनका जन्म 1689 ईस्वी के आसपास बतलाया जाता है। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। ये कवि कहते हैं कि सुजान नाम की एक नर्तकी है, नाचने वाली, उसी से इनको प्रेम हो जाता है। सुजान के नृत्य कला से इनको प्रेम होता है। सन 1939 में नादिर शाह जब भारत पर आक्रमण किया, उसी समय ये संसार छोड़कर चल बसते हैं, क्योंकि नादिर शाह के सिपाहियों ने इनको घेर लिया है और इनको मारने वाले अब हैं। घनानंद जी की बात करते हैं, सुजान सागर, बीरह लीला, रसके लिबली, ये सब जितनी भी हैं घनानंद के मुख्य ग्रंथ हैं, इनके द्वारा रचित हैं। घनानंद जी जो हैं यहां कविता लिखते हैं, उसी सुजान नर्तकी को टारगेट करके कविता लिखे हैं। लिखते हैं अति सुधो स्नेह प्रेम का मार्ग। कहते हैं प्रेम, अढ़ाई अक्षर का जो शब्द प्रेम है वो अति सुधो है, मतलब उससे शुद्ध कुछ संसार में नहीं है। वो बहुत सुंदर है लेकिन उसमें जिंदगी बिगड़ भी जाती है, जिंदगी बन भी जाती है। अपने संतान से माता अथाह प्रेम करती है, अढ़ाई अक्षर का ही चीज है। पिता अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता है, लेकिन ऐसा ना प्रेम करो कि वो लड़का लतखोर हो जाए, आंखें अंधी हो जाए, कोई भी गलती काम करके आए तो आपको अच्छा लगे, ऐसा प्रेम नहीं होना चाहिए। इसे प्रेम नहीं कहते हैं। कहते हैं कि प्रेम का मार्ग जो है सबसे सुंदर है, शुद्ध है, अच्छा है। अगर आप पूरे समाज से प्रेम करते हैं, निंदा और निंदा दो चीजों को छोड़ देते हैं, दूसरों की शिकायत करना छोड़ दो और ज्यादा सोना छोड़ दो, समाज से प्रेम करो, कार्यों में लगे रहो, तुम बड़े ओहदे को प्राप्त कर सकते हैं। यहां कहते हैं कि अति सुधो स्नेह का मार्ग है, जहां नेक सयान अपन बांक नहीं। प्रेम ऐसा चीज है कि दो प्रेमियों के बीच कौन बड़ा है कौन छोटा है ये चीज उजागर नहीं करता है। एक दूसरे में बड़प्पन वाली बात नहीं दिखाता है। हर एक दूसरा जो है एक दूसरे के प्रति समर्पित रहता है। साचे चले तजी आप नो झुझके कपटी ने निशाक नहीं। कहते हैं कि इसमें झजक हिचकिच प्रेम में नहीं होती एक दूसरे से। अगर झजक हिचकिच किचकिच आ ही जाता है प्रेम में तो फिर प्रेम रहता नहीं है। कहते हैं प्रेम ऐसा चीज है कि अपनों को छोड़कर दूसरों को पकड़ना शुरू कर देता है। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यह एक ते दूसरे को आंक नहीं। घनानंद जी कहते हैं कि ये सुजान तुम मेरी बात सुनो, प्रेम जो होता है एक दूसरे को आंकने के लिए नहीं होता है, ये तो एक दूसरे में डूबने के लिए होता है। तुम कौन सो घव पाठ पढ़े हो, करो मन ले हूं पदे हूं छटाक नहीं। कहते हैं कि प्रेम से, अब प्रेम के बारे में कहते हैं कि प्रेम जो चीज है उसको मूर्त रूप देते हैं। प्रेम अढ़ाई अक्षर का है, प्रेम कहाँ है, जहां देखो वहां है, जहां नहीं देखो वहां भी है। लेकिन अब यहां घनानंद जी क्या करते हैं कि प्रेम को मूर्त रूप देके अब प्रश्न करते हैं उससे
कि तुम कौन ऐसा पाठ पढ़ा है कि सब कुछ ले लेता है लेकिन कुछ देता नहीं है। यानी प्रेम ऐसा चीज है कि उसमें सब कुछ चला जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा, उससे कुछ मांगोगे तो देने वाला नहीं है। तो जगह जगह का प्रेम अलग अलग होता है। आगे कहते हैं, जब प्रेम के चक्कर में चलकर उपछताते हैं घनानंद जी नर्तकी सुजान के समीप, आगे क्या कहते हैं, मुंह अश्वन लय बरसो, बादलों से अप कर रहे हैं, क्योंकि नादिर शाह के सिपाही जो हैं उसे घेर लिए हैं, अब उसको मारने वाले है। तो लास्ट में पश्चाताप के बाद पश्चता रहे हैं और बादलों को टारगेट करके कहते हैं, मुंह अश्वन लय बरसो, हे बादलों, तुम्हारा तो काम है, नली हो, नदी हो, सागर हो, महासागर हो, उनके जलों को अपने शरीर में धारण करना और पूरे संसार का प्यास बुझाना, तुम्हारा एक कार्य है। तो एक काम मेरा भी कर दो। वो काम क्या है भाई? तो काम यही है कि जो मेरे आंखों से आंसू गिर रहे इसे तुम धारण कर लो और सुजान के आंगन में जाकर बरसो, कहो कि संसार को अब घनानंद जी छोड़ने वाले हैं। कते प्रकाश देह के धार फिरो प्रजन्य यथारथ है दर्शो, कहते हैं कि हे बादलो, तुम तो संसार के कार्य करने के लिए अपना देह समर्पित करते हो, अपना देह धारण करते हो, निध नीर सुदासी समान करो सब विधि सजान सरसो, कहते हैं कि अपने नीर को, अपने जल को बरसा कर पूरे संसार को तुम सिंचित करते हो, उसकी प्यास बुझाते हो, उसके क्रंदन को बंद करते हो। घनानंद जीवन दायक हो कुछ मेरी पीर ही ये परसो, कहते हैं कि मैं घनानंद हूं, मेरे हृदय में भी कुछ पीर हैं, दुख हैं, उसको तुम धारण करो और मेरा भी पीर का हरण करो। कबहू वा बरसाई सुजान के आगन मो वसवन लय बरसो, कहते कि हम रहे या नहीं रहे, हम इस संसार को छोड़ देंगे, संसार से चले जाएंगे, लेकिन कभी भी सुजान के आगन में जाकर बरसना और मेरी प्रेम वेदना को उससे कहना। ये प्रेम के कवि घनानंद जी एक नर्तकी सुजान से प्रेम कर बैठे हैं और जीवन के अंतिम समय में यह कविता लिखते हैं, बतलाते हैं कि प्रेम कितना शुद्ध होता है, वो सब कुछ ले लेगा लेकिन अपना कुछ नहीं देगा।